हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे लिंग पुरुष वचन के बारे में ठीक है ठीक है तो लिंग भी तीन होता है पुरुष भी तीन होते हैं और वचन भी क्या होते हैं तीन होते हैं तीन तीन का सेट होता है लिंग पुरुष और वचन ठीक है तो आज हम जानेंगे लिंग के बारे में अच्छे ढंग से सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे बहुत आसान तरीके से और सिंपल ट्रिक से ठीक है चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि आपको अनेक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी वो भी एक साथ ठीक है वहाँ जाके आप देख सकते हैं लिंग कारक वचन शब्द रूप समास समास जो भी आपको देखना है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो लिंग कितने होते हैं तीन होते हैं तो तीन कौन कौन से होते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पुरुष जाति का जिसमें बोध होता है उसे क्या कहते हैं पुलिंग कहते हैं ठीक है पुलिंग किसके लिए होता है पुरुष जाति का जिसमें बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं जैसे राम बालक सह आदि सह मतलब वह होता है सा मतलब, मतलब स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है तो कहने का मतलब जिसमें पुरुष जात का बोध कर रहा हो पुरुष के बारे में बताया जा रहा हो एक वचन बहुवचन द्विवचन कुछ भी हो सकते हैं उसमें ठीक है तो उसे क्या कहते हैं हम पुलिंग कहते हैं अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में तो स्त्रीलिंग में क्या होता है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पुलिंग का जैसे स बालक का अस्थि वह बालक है तौ तो बालक का अस्थि दो बालक है ते संति, है? बालक संति ठीक है बहुत सारे बालकों के लिए ठीक तो मतलब दो के लिए होता है ते मतलब क्या होता है बहुत बहुवचन के लिए होता है तो उसके बारे में हम पुरुष जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें बता दूंगा अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल से, से सोचें कि जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है बालक का उसमें सव्यारह स मतलब एक पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और सा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है उसके आगे हम देखेंगे ठीक है तो इसलिए भ्रम नहीं होना अभी से क्लियर करके रखना तव तो मतलब दो के लिए होता है ते मतलब बहुत लोगों के लिए होता है अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में स्त्रीलिंग क्या होता स्त्रीलिंग जाहिर सी बात है आप इस जिसमें स्त्री का बोध हो रहा होगा जी हाँ आपने सही सोचा अगर ये सोचा है तो आपने बहुत सही सोचा है कि जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं ठीक है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा महिलाओं का बोध हो रहा हो चाहे वो लड़ लड़की हो या महिला हो ठीक है सभी को क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे रामा रामा क्या है लड़ बालिका का नाम हो सकता है एक बालक हो सकती है लड़की मतलब लड़ लड़की हो सकती है सा मतलब हुआ होता है स जो होता है वो क्या कहते हैं पुरुष के लिए प्रयोग होता है और सा जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो आप समझ करेंगे जैसे सा बालिका अस्थि वह बालिका है ते बालिके सं दो बालिका हैं ठीक है ता बालिका संति मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो चाहे वो एक बचन के लिए हो या बहुवचन के लिए हो एक वचन के लिए है दो वचन के लिए है बहुवचन के लिए ठीक है ये पहला एक वचन के लिए है जिसमें एक लड़कियाँ हैं एक लड़की है दूसरा जो है दो वचन के लिए है ते बालिका संत मतलब दो लड़कियाँ हैं ताबालिका संत क्या है बहुवचन के लिए इसी तरह आपने यहाँ पुरुष में भी था स जाते एक वचन के लिए था तव जो था दुई वचन के लिए था ते जो था वो बहुवचन के लिए था ठीक है हाँ तो आप क्या कहते हैं समझ आ गया होगा बहुत सिंपल तरीका है इसे याद करने का और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग में जिन शब्दों में न तो पुरुष जाति का बोध होता हो और न ही स्त्री जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं नपुंसक लिंग जैसे पेड़ हो गया कमल हो गया गृह हो गया पुस्तक हो गया फल हो गया इसमें क्या हो रहा है एक मतलब शब्द की बात हो रही परंतु उसमें क्या हो रहा है ना तो स्त्रीलिंग पता चल रहा है ना नहीं ना ही क्या कहते हैं पुरुष जाति का जाति का बोध हो रहा है ना किसी का बोध नहीं हो रहा है ठीक है शब्दों में स्त्रीलिंग पुलिंग होता है परंतु किसी जात का बोध नहीं हो रहा है कि इसमें क्या निकलेगा क्या नहीं इसमें स्त्री इस का सब ये क्या कहते हैं ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग इस है इसका बोध नहीं होता ठीक है तो सिंपल तरीका यही है इसको याद करने का और यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो अब देखते हैं क्या पुरुष पुरुष भी बहुत ही आसान है बहुत सिंपल तरीका हमने अपनाया है चाहे कोई भी हो किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं दो मिनट ज़्यादा ज़्यादा दस मिनट लगेगा इसे देख के लिखने में आपको और आप जीवन आजीवन आज के लिए आपको याद हो जाएगा ठीक है पुरुष भी तीन मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष तीन होते हैं अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ठीक है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीन पुरुष होते हैं ठीक है प्रथम पुरुष जो होता है एक वचन के लिए होता है ठीक है मध्यम पुरुष जो होता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष जो कहते हैं क्या कहते हैं दो दो के लिए होता है ठीक है उत्तम पुरुष जो होता है वो नहीं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो होते हैं जिसे हम देखो प्रथम पुरुष में क्या होता है जिसे हम नहीं जानते ठीक है हाँ जिसे हम नहीं जानते ना उसे प्रथम पुरुष में रखा जाता है जैसे सह ते मतलब वह वे दोनों वे सब ठीक है जो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है जिसे हम एक तरह से नहीं जानते उसके लिए प्रयोग जाते सामान्य वह हवा कौन है तुम्हें नहीं पता ठीक है कोई भी हो सकता है वो वह कौन भी होता है तो मतलब ये दोनों कौन है मुझे नहीं पता ते मतलब क्या होता है देखो ये सब यहाँ पे वचन लिखना मैं भूल गया हूँ वचन आप लिख जाइएगा नीचे देखो यहाँ पे आपको अभी एग्जाम्पल में दिख जाएगा हाँ ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा इसको मैं छोटा करता देता हूँ जिसमें आपको एक सांत दिख जाए यहाँ देखो जो प्रथम पुरुष होता है उसमें स में वह एक वचन में भी है दुई वचन में तो हो जाता है ते में क्या हो जाता है बहुवचन हो जाता है ठीक है इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से इसमें लिखा गया है मध्यम पुरुष में तो मतलब तुम जिसे तुम जानते हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है तुम और जिसे आप नहीं जानते उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है वह जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं तो उसको क्या कहेंगे तुम त्व गच्छति ठीक है जैसे वह जा रहा है सग छति आप उसे नहीं जानते और जिसे जानते हैं उसके लिए क्या कि प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष में रखा जाता है कि खुद के लिए अहम माने मैं ठीक है अब तो समझ आ गया ना कि प्रथम पुरुष जिसे आप नहीं जानते मध्यम पुरुष जिसे आप जानते हैं उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयोग किया जाता है आप वही सिंपल तरीका जिसको नीचे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये बहुत ईजी तरीका है जो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ऊपर वाले में थोड़ा बस ऊपर वाले को आप याद करने के लिए मैंने रखा था कि जिससे आपको देख के आ जाएगा सहता होते प्रथम पुरुष में होता है और मध्यम पुरुष में तुम युवाम यूयम उत्तम पुरुष में क्या होता है अहम आवाम वयम ठीक है सह मतलब क्या होता है वह तव मतलब क्या होता है वे दोनों ते मतलब क्या होता है वे सब मतलब एक वचन दोई वचन बहुवचन नीचे वाले में आप देखिएगा ठीक है हाँ ऊपर वाले आप सिर्फ याद कर लीजिए नीचे वाले में एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम अब देखो कैसे कैसे प्रयोग हुआ वो भी बता देता हूँ देखो प्रथम पुरुष में सह तो, ते आता है मतलब एक अगर एक व्यक्ति है वह तो सह तो हो जाता है दो लोग हैं तो त हो जाता है बहुत सारे लोग हैं तो ते हो जाता है ठीक है अब मध्यम पुरुष में जिसे आप जानते हैं मतलब एक व्यक्ति वो है तो त्वम दो लोग हैं तो युवाम तीन मतलब दो से ज़्यादा हैं तो युम जैसे दो से ज़्यादा हैं बहुवचन में आ जाते हैं ठीक है उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है अगर एक व्यक्ति हो आप तो अहम हम दो हैं दो लोग हैं तो आवाम हो जाता है बहुत सारे लोग हैं तो वयम हो जाता है ठीक है इतना सिंपल तरीका है इसे याद करने का प्रथम पुरुष में कौन होता है जिसे आप जान, जिसे आप नहीं जानते मध्यम पुरुष में जिसे आप जानते हैं और उत्तम पुरुष खुद के लिए होता है जिसमें आप खुद का प्रयोग कर जाते अहम आवाम वयम ठीक है अब हम देखते हैं वचन वचन बहुत सिंपल तरीका होता है वचन का वचन तो एक वचन बहुवचन द्विवचन होते हैं एक वचन में एक व्यक्ति का बोध हो, मतलब हो रहा होता है मतलब एक का बोध हो रहा था दुई वचन में दो लोगों का बोध हो रहा था बहुवचन में बहुत सारे घाव हो जाता है ठीक है अब देखो इसके पॉइंट में थोड़ा देख लेते हैं जो लिखा हुआ है बहुत सिंपल तरीका है आप अगर इसका नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा फ्री है बिल्कुल आप रोक के वीडियो बना लीजिएगा क्योंकि भेजने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं मुझे तो संख्या में एक होने पर एक वचन का प्रयोग होता है ठीक है अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन का प्रयोग होगा जिसमें सह का प्रयोग हो जाता है ठीक है तो एक एक वचन लेके चलते हैं हम जैसे एक व्यक्ति हो गया ठीक संख्या में दो होने पर द्विवचन का प्रयोग किया जैसे तव मतलब वे दोनों हो जाता है ठीक है अब बहुवचन का प्रयोग बहुत सारे लोगों मतलब दो से अधिक लोगों के लिए तो उसमें क्या हो जाएगा ते हो जाएगा वे सब हो जाएगा ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है एक वचन के लिए क्या हो जाता है जैसे एक एक वचन में क्या होता है मैंने बताया था एक संख्या का बोध हो जैसे एक बालक क्रीडत एक बालक खेलता है एक बालक खेल रहा था क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक वचन जी हाँ दो दो बालकह क्रीडतः ठीक है ये आप थोड़ा जब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी बस आप देख लीजिए ठीक है कैसे हो रहा है दो बालक का जहाँ पे बोध हो रहा है वो क्या हो जाएगा बहु दु, द्विवचन वचन त्रया बालकह तीन बालक मतलब दो से अधिक बालक किस में आ जाता है बहुवचन में त्रया बालक क्रीडंती ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन जी हाँ बहुत सही तो यही सिंपल तरीका है अगर इससे सिंपल तरीका आपको मिलता है तो ज़रूर उसे देखिएगा और ट्रिक हमेशा देखो मैंने यहाँ पे एक तरीके से ट्रिक बताने की कोशिश की है कि कैसे आपको पहचान करना है कैसे आप समझेंगे और कैसे आपको प्रयोग करना है इसका ठीक है एग्जाम्पल के साथ साथ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अगर बी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं चैनल का हमारा प्ले चेक कर सकते हैं वो हमें बी ए से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मौजूद हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है थैंक यू सो मच ओलो यू चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि इसी तरह की सिंपल चीज़ें मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ जिससे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक ये पहुँच सके और ये ट्रिक आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच ऑल ओ यू चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा